जय श्री महाकाल। माता रानी आपको सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आपकी मंगल कामना के लिए मैं भगवती आराध्य शंकर भगवान जी से आपकी मंगल कामना के लिए हमेशा सदा ही दुआ करती हूँ। दिन रात आपकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हूँ सभी की, जो मेरे साथ दरबार में जुड़े हुए हैं, जो मेरी यहाँ हेल्प करते हैं उनकी, और जो नए लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो चाहे आते हैं दोबारा नहीं आते हैं, जब भी कभी आए हैं, सभी की मंगल कामना के लिए भगवती से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप टाइटल में भी पढ़ ही लेते होंगे, तो ये समस्या सभी को, ये 90% लोगों को ये समस्या रहती है और इनका कोई निवारण भी नहीं है। लोग इसको नॉर्मल सी अवस्था लेते हैं, छोटी सी बात लेते हैं, इसको बीमारी लेते ही नहीं है, इसको समस्या लेते ही नहीं है। और वैसे ये समस्या होती है लेकिन लेते नहीं है लोग। जैसे कोई बच्चे नींद में बोलते हैं, नींद में उठते उठ करके चले जाते हैं नींद में, नींद में मोस्टली लोग, इतने बड़े बड़े लोगों को भी मैंने देखा है, मेच्योर लोगों को भी देखा है, वो नींद में बोलते हैं। कई कई बच्चे तो चल भी पड़ते, क्योंकि मैं खुद भी चलती थी नींद में भी बोलती थी, मुझे था इस तरह का, तो हो तो जाता है किसी टाइम पर, मुझे भी कहीं दिखाया था, मैं किसी टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ना होए ना, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। कई बार झटके लगते हैं, मोस्टली लोगों को ये स्वप्न आएगा कि मैं कहीं चढ़ रही थी ऊपर और वहां से एकदम से गिर गई, है ना। और बाकी हाँ, सच में आगे टॉपिक द्वारा बाद में बोलती हूँ, पर मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। कितने मुझे मैसेज आए होते हैं ये सब कि, और यहाँ पर भी दरबार पर भी आप ये क्वेश्चन रखते हो कि रात मुझे ये सपना आया और ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे सपने में ऐसे आया, सपने में वैसे आया। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सपने आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। मुझे सपने दिन में पता नहीं कितनी बार आते हैं, क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या क्या नहीं होता, और कैसे कैसे आते हैं, कोई कोई नहीं। हम तो देखो किसी से वो नहीं करते, है ना। जब आपकी बारी आई होती है, अपने दुख की बात करिए, अपनी कोई मेजर समस्या की बात आप कीजिए, आपको टाइम मिला होता है, टाइम मैं दे रही हूँ, फालतू के आप लोग मैसेज वगैरह ना ये लिखा करें कि हमें रात ये सपना आया, हमें रात वो सपना आया। फिर जब आगे भी आप मेरे पास आ जाते हैं, रात ये सपना आया, वो सपना आया, फिर हम क्या करें, अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आप सभी को पहले ही बात बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिर भी लोगों को बहुत बड़ा पोलाइटली अटेंड करती हूँ, बहुत पोलाइटली अटेंड करती हूँ, और हर एक का क्वेश्चन देने का मैं वो करती हूँ। लेकिन आप लोग इतनी छोटी छोटी बातों को खुद अपना मैनेज करा करिए, मुझे नहीं। अब मुझे मैसेज अच्छा मैं देख भी लेती हूँ मैसेज, फिर आप कहते हैं आपने मैसेज देख लिया था पर आपने हमारा जवाब नहीं दिया। अरे मैं किस किस के जवाब दूं, मेरे दो दो तीन दिन होने सब भरे पड़े रहते हैं मोबाइल से। मुझे समस्या लगती है कि ये पेशेंट है तो मैं उसकी समस्या जा करके ठीक करती हूँ कि चलो आप लोग सुकून की नींद सोइए और आपको कोई समस्या ना होए और आप सुखी जीवन व्यतीत करिए। अब आपका सपना भी सुनूं, सपना सुनने के बाद आपको मैं आंसर भी दूं और उसकी खोजबीन भी करूं भी ये सपना क्यों आया और सपना क्यों नहीं आया। भाई अपने सपनों का निवारण अपने पास रखा करिए, भगवान के आगे अरदास लगाया करिए, भगवान को बोला करिए कि हे प्रभु मुझे ये सपना क्यों आया, ये अच्छा है कि बुरा है, इसको आप ठीक करिए। मेरे से इतना ज़्यादा मतलब कि ना वो आप लोग अफोर्ड ना करिए। अगर मैं बड़े प्यार से, अगर बड़ी सादगी से मतलब आप लोगों को ये कर रही हूँ, कोई हाइपर नहीं होती, किसी की इंसल्ट नहीं करती, कोई गुस्सा नहीं करती, बेइज्जती नहीं करती किसी की, या आपसे कुछ धन राशि नहीं ले रही हूँ किसी भी चीज़ की, आपका कार्य करने की नहीं, आपका बात करने की नहीं, तो आप ये ना सोचे कि जब मर्जी दिल करे हैं। कोई बोलेगा मेरे मत्थे में त्रिशूल क्यों बन रहा, कोई बोलेगा मेरे मत्थे में टेढ़ा त्रिशूल क्यों बन रहा, कोई बोलेगा मेरी आंख क्यों फड़फड़ा रही, वो मेरे सारा दिन फड़फड़ाती भाई, ये क्या बात होगी, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे कि भाई आप लोगों को मेरा बोलना होए कि चलो ठीक है, आपको लगता है कि हाँ बस सिंपल लग रहा ना सब कुछ, है ना। तो एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों को, अभी तो आप ये अंट मेरे को क्वेश्चन कर जाते ना, एक दिन आपको दहनीय स्थिति होगी ना, अति दुख होगा ना, तब भी मैं आप लोगों को रिसीव नहीं करूंगी, ये समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो मैंने छोटी बनानी है, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, मैं इस करके टॉपिक यहीं बंद करती हूँ। आप समझ चुके होंगे छोटी छोटी बातों के लिए साधकों को तंग नहीं करना चाहिए, हमें बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, दिन के 5 घंटे पूजा पाठ में चले जाते हैं, अपने लिए समय भी नहीं है, इतना समय नहीं है कि टिक करके आराम से सुकून से कभी फोन भी देख ले। 15 मिनट फोन को उठाती हूँ उसी टाइम फोन छोड़ना पड़ता है, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई मना किसको करे, है ना। तो खुद समझिए
जैसे आप किसी को खुद नहीं अटेंड कर सकते हो, खुद नहीं टाइम दे सकते हो, तो वैसा ही दूसरे का समय सोचिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फिर आगे ना करना कि हमें हर बात के लिए भी आप लोगों को ये कहूँ कि इतने सी बात के भी चार्जेस, आपसे बात करने के भी चार्जेस, मिलने के भी चार्जेस, ये करने के लिए, फिर आप आओ, आओ बैठो, फिर घंटे लो मेरे से भी और एक घंटे तक बात भी करो, आप फोन पे करो, हाँ पे करो उस चीज़ को। तो ऐसा मत करिए, मत करिए। मैं इसीलिए लोग, मैं समझ चुकी हूँ अब कि इसीलिए लोग पेमेंट लेते हैं हर एक चीज की, इसीलिए लेते हैं कि वो नाजायज तंग ना हो, इसीलिए पेमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहती इस तरह की, क्योंकि गरीब बंदा मारा जाएगा इस तरह में, और जिनके पास तो है वो कर लेंगे, गरीबों को मुश्किल हो जाएगी अगर मैंने कभी ऐसा रूल फॉलो किया। ठीक है, तो अगर मैं अग्रेसिव ज्यादा हुई हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो मेरा टॉपिक लंबा ना हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नींद में होते हैं, तो साइंटिस्ट तो कहते हैं कि अगर नसें दबाव करती है आपकी तो आपको बॉडी में झटके आने शुरू हो जाते हैं नींद में, तो पंप करती है तो एकदम से झटका आता है, उनका तो ये है। लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहते हैं आप लोगों को कि जैसे नींद में अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उसका आधा दिमाग काम कर रहा है और आधा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को मतलब कि फिर वो ठीक अवस्था नहीं होती है, उससे आपके हार्मोन्स खराब होते हैं, बॉडी खराब होती है। तो उस चीज़ को आपको दिखाना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से होगा, किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के कारण होगा, तो वो उसको वो ठीक करेंगे, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर भी दिखा सकते हैं, फिर आपको गहरी नींद के लिए वगैरह के लिए मेडिसिन देते हैं, तो आपको ये समस्या ठीक हो जाती है। जो झटके लगते हैं, देखो साइंस तो यही सही सब कहती है ना कि नसों के दबाव के कारण होता है, पर हम ये कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई पॉजिटिव शक्ति है, या आपका ऑरा मंडल बड़ा स्ट्रांग है, या आपके साथ कोई दिव्य आत्मा रहती है, तो अगर आपको जैसे कोई नेगेटिव प्रभाव होता है या नेगेटिव एनर्जी आपको मतलब सोते टाइम छूने की कोशिश करती है, शरारत करने की कोशिश करती है, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है ये आपको सोते टाइम ही तंग करती है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये टच करेगी ना और आपके शरीर में पॉजिटिव शक्ति होगी, तब भी आपको नींद में ऐसे करके झटका आएगा बड़ी जोर से, क्योंकि मुझे होता है ऐसे, अगर मेरे पर कोई अटैक करता है या कुछ भी हो तो नींद में मेरा बॉडी बड़ी जोर से झटका करती है, मैं तो फिर माता से ही पूछती हूँ कि ऐसा क्या, तो वो मुझे यही बताती है कि छू नहीं पाती तेरे शरीर को, कई शक्तियां कई तो ले लेती हैं, पर वेस्ट दैविक शक्तियां होती है जो चलाई होती है अच्छे के लिए बुरे के लिए, जो तो कर लेती है, लेकिन फिर वो छू नहीं पाती है तो फिर झटका आता है। तो ये दो तीन कारण तो ये होते हैं, आपको खुद समझना है कि आप आध्यात्मिक है तो आपको इस वजह से भी हो सकता है, और अगर आपको तो नहीं है तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैंने तो दोनों के बारे में बता दिया, तो मेरी वीडियो जैसी भी हो, देखो पता क्या होता है, जो व्यक्ति काम करता है ना उसको गुस्सा आ ही जाता है। आपको पता होना चाहिए, एक व्यक्ति वीडियो भी बनाएगा, आप इतनी संगत को भी देखेगा, आपके भूतों प्रेतों के भी साथ भी बात करेगा, भगवान के साथ भी बात करनी है, सभी के साथ बात करनी है, तो आपको पता है, सोचिए कभी सोचिए कि ये इंसान ही है, कोई गधे तो नहीं है ना, है ना, तो इतना सोचिए आप कि कम से कम इतना सोचा करिए कि हम कम से कम उनको कितना परेशान करें या हम कितने मैसेज करें। फिर मैसेज कोई लिख रहा है उसका आंसर भी तो देना पड़ता है, कितनों के दूंगी, और टैपिंग करनी मुझे इतनी बुरी लगती है ना, मैं टैप करके मेरे बहुत गंदा लगता है, मैं सही बात हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जब टाइम होता था तो मैं दो दो फोल्डर भी टैपिंग लिख लेती थी। ठीक है, टाइम नहीं है ना, समस्या नहीं है, और किस किस की दें और किस किस की करें। ठीक है ना, तो आई होप आपको मेरे वीडियो और टॉपिक पसंद आ रहे होंगे। तो जय माता की, जय श्री महाकाल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।